एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक के तौर पर जारी हो गई हैं और इसको लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक का संयुक्त आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर मानस भवन में किया गया, जहां पर दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर श्री बागरी, नवागत जिला पंचायत सीओ श्री वर्मा के अलावा तहसीलदार मोहित जैन सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों की विशेष रूप से उपस्थिति रही। सभी को चुनावी प्रशिक्षण दिया गया और जानकारियों से अवगत कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। आपस में भी चर्चा करते रहे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स की स्थितियां मिलती जुलती होती है कभी कभी और आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखें। संचार योजना के बारे में आपसे चर्चा हुई थी, कुछ शेडो एरियाज होते हैं तो उन पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा मोबाइल नेटवर्क जो है बहुत अच्छा है और कौन सा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, सुबह लेनी पड़ेगी कि मॉकपोल संपन्न हुआ कि नहीं। मॉकपोल संपन्न हुआ उसके बाद कितना मतदान हुआ, 9 से 11 कितना मतदान हुआ, 11 से कितना मतदान हुआ, ये देखते थे तो 7 से 11 कितना हुआ। दोनों तरह की रिपोर्ट्स आपको उस दिन रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। निर्धारित समय पर रिपोर्ट जो भी आपको काम मिला, और मैं आपको कुछ पॉइंट बिंदु अभी दे रहा हूँ, ये बैठक हम लोग को फिर से करनी पड़ेगी। आप लोग अपना घूम है अपने क्षेत्रों में, सबसे पहले तो अपने केंद्र होता है क्रिटिकल मतदान केंद्र की अपने कुछ पैरामीटर्स है कि क्यों कोई मतदान केंद्र क्रिटिकल होता है। तो उसमें ये होता है कि पिछले जो चुनाव हुए उसमें क्या 90% से अधिक वोटिंग हुई और उसमें भी 75% से वोटिंग क्या किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में हुई है। नॉन रिपीट वोटर्स की संख्या क्या बहुत अधिक है, फैमिली विदाउट फैमिली लिंकेज के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, या वहाँ पर पिछले चुनाव के दौरान कोई बलवा या कोई हिंसा या किसी तरह का कोई वायलेंस हुआ हो, ये पैरामीटर्स हैं वहाँ पर क्रिटिकल की को चेक करने के लिए, और वल्नरेबल बहुत अधिक हो सकते हैं। चुनाव आयोग का तो इन दो बातों का बहुत जोर है, एक तो कोई मतदाता छूटे नहीं और दूसरा ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, बिना डर दबाव किसी भी तरीके से वो वोटिंग हो पाए और दूसरा सभी लोगों का नाम बांटते जुड़ पाए। तो अगर आप इतनी चीज़ें इंश्योर कर दें, बाकी तो आगे की चीज़ें वोटिंग प्रक्रिया है क्या होगा वो आपका बाद में देखने की बात है, बट ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है। तो सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग का आप लोग को 3-4 महीने से पहले इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि आप वहाँ के PO और P1 जो है आपके लास्ट में आएंगे जब आपका इलेक्शन चालू हो जाएगा और उनको पोलिंग की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, वो पोलिंग स्टेशन जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। बाकी जो हमारी तरफ से जो कोऑर्डिनेट करने का काम है, RO की तरफ से कोऑर्डिनेट करने का काम है, वो सारा ही आपके थ्रू होगा। कहने का मतलब है कि आपको इलेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से समझनी भी पड़ेगी और गाइड भी करनी पड़ेगी। जी, आज सेक्टर अधिकारी सेक्टर पुलिस अधिकारियों की एक बैठक की गई थी, क्योंकि 2 तारीख से प्रारूप प्रकाशन इलेक्टोरल रोल का होगा, उससे पहले पोलिंग बूथ्स का जायज़ा ले लिया जाए और कोशिश ये करी जाए कि सारे BLOs के साथ इन सभी का कोऑर्डिनेशन हो जाए और साथ में वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो जाए, इस हेतु ये बैठक ली गई थी। राहुल राखिया। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे। राहुल राखियां।